वेलकम टू आवर चैनल जेनी ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राउल्फिया एल्केलॉइड्स के बारे में। जो राउल्फिया एल्केलॉइड है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो राउल्फिया एल्केलॉइड है वो इंडोल डेरिवेटिव है, और इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम के अंदर बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, लाइक सर्पगंधा, चंद्रिका, इंडियन स्नेक रूट, सर्पेंटिना रूट, राउल्फिया रूट। तो इसका जो सर्पगंधा ना, जो सिनोनिम्स कैसे है कि ये जो है स्नेक की जैसे दिखता है, ठीक है। देन सेकंड है इंडियन स्नेक रूट, या जो इंडियन स्नेक हैं उस टाइप से जो ये दिखता है। सर्पेंटिना रूट्स भी इसका सिनोनिम्स है, राउल्फिया भी इसका जो सिनोनिम्स है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल सोर्स, यानी इसका बायोसोर्स क्या है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका राउल्फिया एल्केलॉइड का, ड्राइड रूट ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना बेंथ, यानी इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, ड्राइड रूट्स ऑफ राउल्फिया सर्पेंटिना बेंथ। उसके बाद ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। और इसके अंदर जो इसका ज्योग्राफिकल सोर्स है, कहाँ से इसका, कहाँ कहाँ पे सोर्स है इसके, एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका, श्रीलंका, कल्टीवेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका। यानी जो ज्योग्राफिकल सोर्स है इसके, एशिया अमेरिका के अंदर हैं, अफ्रीका, श्रीलंका, कल्टीवेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका के अंदर। उसके बाद आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी इसके कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मोर देन 30 इंडोल एल्केलॉइड हैव बीन रिपोर्टेड इन राउल्फिया, यानी 30 से ज़्यादा इंडोल एल्केलॉइड जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राउल्फिया के अंदर। तो जो इम्पोर्टेंट एल्केलॉइड्स हैं वो है रेजरपिन एंड अदर लाइक अजमेलिन, अजमेलिसिन, सरपेंटिन एंड योहिम्बिन। यानी इसके जो अंदर इम्पोर्टेंट एल्केलॉइड है, एक तो रेजरपिन है एंड अजमेलिन, अजमेलिसिन, सरपेंटाइन एंड योहिम्बिन, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट एल्केलॉइड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसके अंदर राउल्फिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अदर और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक एल्कोहल, शुगर, फैटी एसिड्स, फ्लेवोनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टैनिन्स एंड ग्लाइकोसाइड। तो ये सारे भी राउल्फिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद आता है केमिकल टेस्ट, यानी राउल्फिया के जो बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। तो जो सबसे पहला टेस्ट है, फ्रेशली फ्रैक्चर्ड सरफेस इज ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड प्रोड्यूस रेड कलर अलॉन्ग मेडुलरी रेज। यानी सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेशली फ्रैक्चर्ड सरफेस होता है राउल्फिया का, उस सरफेस को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करना है। तो उससे क्या होगा, रेड कलर प्रोड्यूस होगा, रेड कलर प्रोड्यूस अलॉन्ग मेडुलरी रेज, जो मेडुलरी रेज है उसके अंदर वहाँ पे रेड कलर प्रोड्यूस होगा, तो जिसे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि ये राउल्फिया एल्केलॉइड है। देन सेकंड टेस्ट है, राउल्फिया जो है उसको ट्रीट करना है, ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ वेनिलिन, वेनिलिन के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करना है, ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ वेनिलिन इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के अंदर जो वेनिलिन सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करना है। तो उससे क्या होगा, रेजरपिन शो वॉयलेट रेड कलर, जो रेजरपिन प्रेजेंट होगा उसके अंदर, जो रेजरपिन एल्केलॉइड है वो वॉयलेट रेड कलर शो करेगा उसके अंदर। तो उससे अपन कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर एल्केलॉइड प्रेजेंट है। देन उसके बाद आता है यूजेस, यानी जो राउल्फिया एल्केलॉइड है उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। तो जो सबसे पहला यूज़ है एंटी हाइपरटेंसिव, जो एंटी हाइपरटेंसिव प्रिपरेशन या ड्रग्स के अंदर जो है इसका यूज़ होता है। बिकॉज अब ये क्यों यूज़ होता है, बिकॉज इट हैव ट्रैंक्यूलाइजिंग इफेक्ट, यानी इसके पास जो है ट्रैंक्यूलाइजिंग इफेक्ट होता है, इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर इसका यूज़ होता है। देन रेजरपिन लोअर द ब्लड प्रेशर, रेजरपिन एल्केलॉइड जो है वो ब्लड प्रेशर को
डाउन कर देती हैं, कम कर देती हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तब। नेक्स्ट है यूज इन माइल्ड एन्जाइटी, जब एन्जाइटी माइल्ड एन्जाइटी होती है तब भी इसके अंदर जो है उसका यूज़ होता है राउल्फिया एल्केलोइड का। उसके बाद यूज इन इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, जो इंटेस्टिनल जीआईटी के डिसऑर्डर हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जो डिसऑर्डर है उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजरपिन, या जो रेजरपिन है उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, उसकी उसको कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करें। तो जो इसके अंदर मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, जो सबसे पहले स्टेप है वो है प्लांट मटेरियल इज़ मैसीरेटेड विथ एल्कोहल। प्लांट मटेरियल यानी जो राउल्फिया की रूट्स वगैरह है उनको एल्कोहल के साथ मैसीरेट करना है। फर्स्ट स्टेप में प्लांट मटेरियल इज़ मैसीरेटेड विथ एल्कोहल, देन मैसीरेट करने के बाद क्या करना है, द एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट। जब अपन प्लांट मटेरियल को एल्कोहल के साथ मैसीरेट करेंगे तो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। द एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट इज़ रिड्यूस, यानी उसकी जो वॉल्यूम है उसको अपन कम करेंगे, इन वॉल्यूम एंड रेसिड्यू ट्रीटेड विथ वाटर। जब अपन एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को रिड्यूस करेंगे उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो उसके बाद जो रेसिड्यू बचेगा रेसिड्यू को अपने जो है ट्रीटेड विथ वाटर, वाटर के साथ उसको ट्रीट करना है। वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूबल, जो प्रेसिपिटेशन बनेगी वाटर के अंदर, प्रेसिपिटेशन इन सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो प्रेसिपिटेशन बनेगी वो वाटर के अंदर इन सॉल्यूबल होगी। एंड दिस ओलियो रेजिन, इन सॉल्यूबल होने के बाद जो प्रेसिपिटेशन बनती है वो क्या होगा, ओलियो रेजिन, उसको अपन ओलियो रेजिन बोलेंगे। दिस ओलियो रेजिन फ्रैक्शन कंटेंस रेजिरपिन, यानी जिस ओलियो रेजिन फ्रैक्शन जो होगा उसके अंदर रेजिरपिन प्रेजेंट होगी, तो उसको अपन कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है कि जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर लेते हैं अपन, तब कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो एल्केलॉइड अपने को चाहिए था वो एग्जैक्टली उसका एक्सट्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको एनालाइज करने के लिए अपन TLC करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से अपन उसको एनालाइज करते हैं कि जो एल्केलॉइड अपन एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं वाकई में वो जो अपन अपने को एल्केलॉइड चाहिए था वही एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो सॉल्वेंट बनाते हैं अपन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, उनका रेशियो होता है क्लोरोफॉर्म एसीटोन डाई इथाइल एमीन, ठीक है। ये तीन सॉल्वेंट अपने को लेने होते हैं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन एंड डाई इथाइल एमीन। अब कितने लेने होते हैं, उनका जो रेशियो है क्लोरोफॉर्म का होता है 50 ml, एसीटोन का होता है 40 एंड डाई इथाइल एमीन का होता है 10 ml। तो ये तीनों जो सॉल्वेंट है इस रेशियो में अपन लेना होता है 50, 40 एंड 10 ml जो रेशियो होता है। उसके बाद जब TLC परफॉर्म कर लेते हैं, तब अगर TLC के अंदर कुछ जो है शाइन वगैरह नहीं दिखते हैं तब अपन डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जब TLC अपन परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि एक कलर प्रोड्यूस होता है जहाँ पे TLC कंफर्म हो जाती है या पूरी हो जाती है। तब उसके बाद अगर अपने को वो जो कलर नहीं दिखता है तो अपन डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर कौन सा टेस्ट है, ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे अपन कलर का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे जो है TLC पूरी हो चुकी है। देन उसके बाद जो राउल्फिया एल्केलॉइड है उसकी RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर क्या आ सकता है, उसका जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है वो 0.72 है, ठीक है, 0.72 इसके आसपास भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।